साथियों, इस हिमाचल प्रदेश में अभी अभी बाय इलेक्शंस खत्म, उपचुनाव खत्म, जहां भाजपा ने चुनाव लड़ा वहीं पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। भाजपा के बड़े नेता अनुराग ठाकुर की बात करें तो हमीरपुर जीत गए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो अपनी पत्नी को जिताकर सुखा सुखी की सरकार बना डाली। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जहां पर जयराम ठाकुर की बात आती है, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की बात आती है, और राजीव बिंदल जी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपना गृह जिला हार गए, जिला सोलन हार गए, जहां पर वो कह रहे थे कि बड़े मार्जिन से जिला सोलन जीतेंगे, वहीं पर बहुत बड़े मार्जिन से जिला सोलन हार गए। और मुझे लगता है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को ऐसा लगता है और हमारा ये मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता के लिए प्रदेश अध्यक्ष के पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले इस हिमाचल प्रदेश में एक नया प्रचलन शुरू किया कि खरीद लो बेच लो, इधर खरीद लो, इसको गिरा दो, इसको बना दो, तो उनके इस प्रचलन के ऊपर इस प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा मारा है। डॉक्टर राजीव बिंदल हो चाहे जयराम ठाकुर, इन साजिशों के मुख्य हिस्सा रहे और इस हिमाचल प्रदेश में जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने की सोच रही, वहीं पर दूसरे जो पहले दुख की सरकार होती थी, सुख की सरकार होती थी, रोने वाले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू होते थे, अब 3.5 साल उनको और रोने के लिए इस हिमाचल प्रदेश में मिल गए। लेकिन जिला सोलन हमारा खुद का गृह जिला सोलन, और जिला सोलन हारने पर डॉक्टर राजीव बिंदल को तुरंत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 2027 आ रहा है साथ, और 2027 इस हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प का 2027 है, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का 27 है। तो बिंदल जी, नाहन से बोरिया बिस्तरा पैक कीजिए, कहां जाना है, कैसे जाना है, ये तो प्रदेश की जनता ने तय करना है। तो इसलिए प्रदेश अध्यक्ष पद से भी बोरिया बिस्तरा पैक करें, और मुझे लगता है कि अब से चाहे आपको कहीं पर दोबारा, जहां पर आपने पहले आदिवासी क्षेत्र में जाकर काम किया था, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी दोबारा आपको वहां पर भेजने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय मां भवानी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।